हेलो थैंक यू खुश नजर आ रहे हैं आज पार्टी है सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या किस तरह से व्यक्त करना चाहेंगे अपनी खुशी एक्चुअली ऑडियंस की रिएक्शन हमारे लिए सबसे अच्छी होती है एंड ऑडियंस रिएक्शन बहुत ही अच्छी आ रही है हमें जहाँ भी हम ऑडियंसेस के साथ हमने देखी है लोग हमें टेक्स्ट कर रहे हैं मैसेजेस आ रहे हैं सबको तो इसलिए हम सब खुश हैं फिल्म बहुत प्यार से बनी है और जब लोगों को पसंद आती है तो लगता है कि हम कामयाब हुए आई थिंक बहुत सारे फेवरेट मोमेंट्स हैं क्योंकि मैं शूट पे भी थी तो मुझे अलग अलग फेवरेट मोमेंट्स याद आते हैं जब टेरेस पे इंसिया और चिंतन की बातचीत होती है वो मेरा एक फेवरेट मोमेंट है हमने बड़ोडा में अलग अलग जगह शूट की थी तो वहाँ जो जहाँ जहाँ हम लोगों ने जैसे उन लोग बहुत कुछ फिल्म में थी भी नहीं फिल्म में मुझे सबसे फनी वो मोमेंट लगा जब शक्ति कुमार और इंसिया वो गाड़ी पे बैठ के बातचीत करते हैं और वो कहते हैं कि आपकी और मेरी कहानी बिल्कुल सेम है और फिर वो जो कहते हैं वो बिल्कुल सेम ही नहीं है उनकी कहानी और वो कहती है तो सेम कैसी हुई और वो ट्रैक ही बदल देता है मुझे वो बहुत फनी लगी मैं खुश भी हूँ कि फिल्म को बहुत प्यार मिला बट एट द सेम टाइम आई एम लिटिल अपसेट ऑफ द फैक्ट कि हमारी जो सीक्रेट सुपरस्टार की जर्नी है वो ख़त्म हो रही है आई डोंट थिंक मैं इन लोगों को फिर से देख पाऊँगी बट क्या कर सकते हैं आपको लगता है हाफ सेंचुरी कंप्लीट होगी आई होप सो आई रियली होप सो 34 पता नहीं बट व्हाट मैटर्स इज कि लोगों को फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद आ रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर्स डोंट मैटर बट फिल्म सबको पसंद आए वो अच्छी बात है एक सवाल मेरे मन में है कि फिल्म में जो क्यूट सी लव स्टोरी दिखे आप लोगों का फेवरेट मोमेंट क्या है फिल्म में साथ में चिंतन वो ताला हम लोग जब देखते हैं राइट वही होगा चिंतन या ताला हाँ तो वही है सो जब हम लोग जाते हैं बंक लाइक ये जाती है बंक करने के लिए मैं उसको हेल्प करता हूँ और तब वो ताला दिखता है तो वो हमारे लिए बहुत फेवरेट मोमेंट था क्योंकि हम लोग बार बार वही बोलते रहे चिंतन यहाँ पे ताला है चिंतन यहाँ पे ताला है तो वो हमारे लिए बहुत फेवरेट मोमेंट था I don't mind. पर मुझे इन दो फिल्म में बहुत मज़ा आया आई होप आगे भी मुझे उनके साथ काम करने को मिले मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है कैप्टन ऑफ द शिप तो यही है और लोग गालियाँ दे रहे हैं किसी कोई ये बोल रहा है कि अगर आप सामने आ जाओ तो आपको गोली मार दूँ कोई ये बोल रहा है मारना चाहता हूँ कोई ये बोल रहा है कि जो है आपसे ज़्यादा बुरा आदमी हमने देखा नहीं है तो ये सब हो रहा है तो बड़ा बड़ा मज़ा आ रहा है बहुत एंजॉय कर रहा हूँ मैं इस कैरेक्टर के बारे में मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है अभी तक मैं इसको गलत नहीं मानता हूँ सच बताऊँ तो हाँ मेरे हिसाब से ये गलत आदमी है नहीं वो उसकी लाइफ का ढर्रा है और क्या होता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली के किसी भी फादर को आप उठा लेना तो उसके ऊपर उस बहुत सारी जिम्मेदारी होती है उसके शोल्डर्स पे और एक पूरा परिवार चलाना है और वो जिस तरह की परवरिश उसकी हुई है वो उसी तरह से अपने बच्चों को बड़ा करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि एक खाके में रहते हैं हम तो बच्चों को बड़ा करना है स्कूल भेजना है खिलाना है पिलाना है यहाँ बिठाना है उसके बाद उसकी शादी करनी है और उसके बाद मुझे अपने घर में दूसरी जिम्मेदारियाँ संभालनी है यही इसी का तरीका है सोचने का तो इसको मैंने इस तरीके से देखा था एक्चुअली राज को हमने डिसाइड किया था कि राज जब ये कैरेक्टर प्ले करेंगे तो वो एज अ विलन नहीं प्ले करेंगे वो अपनी स्टोरी के हीरो प्ले करेंगे तो आई थिंक दैट ही रिलेट्स टू द फादर स्टिल एट सम लेवल ही इज ट्राइंग टू गेट इनटू द फादर स्किन एंड अंडरस्टैंड कि वो फादर किस तरह से सोचता है आई थिंक दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू से थैंक यू पहली फिल्म सफल रही और आप खुद ही आज यहां पे मतलब सक्सेस पार्टी दे रहे हो जी सक्सेस तो Yeah, actually, I'm very excited. I've gotten such a good welcome from the industry. Everyone who watched the film called me up or messaged me, and that's a very big deal for me. मैं वो आदमी हूँ जो ऐसे खड़े होता है ना जब शूटिंग चलती है और फिर सिक्योरिटी हटा देता है मैं वो आदमी हूँ यू नो सो फॉर समवन लाइक मी टू गेट अ मैसेज फ्रॉम करण जौहर फ्रॉम सूरज बजातिया फ्रॉम आलिया इट्स अ वेरी बिग डील सो द फैक्ट दैट आई हैव बीन वेलकम इन द इंडस्ट्रीज इज रियली नाइस एंड ओवरवेलमिंग एंड I thought it was nice to just have a party and celebrate. What is the
यार एक्चुअली सीक्रेट सुपरस्टार मेरी मॉम है, आमिर सर हैं, किरण मैम हैं, बहुत सारे सीक्रेट सुपरस्टार हैं मेरी लाइफ में. यार एक्चुअली आई स्टिल हैवंट गॉटन इनटू द पार्टी. आई थिंक आई एम गोना पार्टी टिल टुमारो मॉर्निंग. तो अभी तो पार्टी शुरू हुई. अभी तो शुरू हुई है. आपने देखा अच्छा लुक पे गेटअप में अच्छा आपने देखा. मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती हूँ कैरेक्टर के बारे में, बट अभी टाइम है, काफ़ी टाइम है, अगले साल रिलीज होगी. तो आई एम वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड, एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू बी वर्किंग विथ अमित सर. ही इज़ अ लेजेंड और उनके साथ काम करने मिल रहा है. और विक्टर सर बहुत अमेजिंग डायरेक्टर है. फोटोग्राफ मैं मूवी कर रही हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ. और डायरेक्टर रितेश बत्रा हैं जिन्होंने लंच बॉक्स और अभी आवर सोल्स एट नाइट बनाई. अभी शूट चल रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है. आप लोग भी काफ़ी उदास लग रहे हो क्या? एकदम सीरियस. क्या बोल रहे हैं? हाय हाय हाउ आर यू? अरे मैं फिल्म के बारे में बात करते हैं ना. जी जी मुझे पता है सर. बहुत यस ऑफ कोर्स. हाउ वाज द रिएक्शन एंड व्हाट यू फेल्ट अबाउट इट? आई थॉट इट वाज एन अमेजिंग फिल्म. आई थिंक द टॉपिक दैट इट डेल्ट विद, आई थिंक अद्वैत हैंडल्ड इट विद इमेंस ईज एंड रियली रियली वेल. आई थिंक गिविंग अ मैसेज अक्रॉस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू गिव इट. And it really touched a lot of chords. The performances were fantastic, and I think Aamir sir was just phenomenal. Kuch impactful message rahega? Arey, bilkul. Bahut impactful message hai. Bahut important message hai. The fact that there's abuse like this that happens in the country. So I think it's amazing that a film like this, Mr. Aamir Khan can back, get out there. It really reaches a lot more places. And you seem to be very conscious about. Yeah, maintaining. Thank you. You also look good. थैंक यू सो मच. एंड वी रियली वॉन्ट टू थैंक हमारी ऑडियंस को. हम थैंक यू बोलना चाह रहे हैं कि इस फिल्म को इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी, लोगों को इतनी पसंद आ रही है और हमें बेहद खुशी है इस बात से. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. वापस एक बार साथ में काम करेंगे? अब इतने बोला है कि मतलब वापस और गाना भी बुलाऊंगा. नो नो, आई वुड लव दैट. आई होप कि जो अगली कहानी. हाँ, कब करो.
आई होप कि जो अगली कहानी अद्वैत लिखते हैं वो उसमें मुझे भी एक मौका मिले दोबारा और हम सबको दोबारा मौका मिले. फिंगर्स क्रॉस्ड. जी नो आई सेड ही इज़ द सीक्रेट सुपरस्टार फॉर मी एंड आई सेड किरण मैम इज़ आल्सो अ सीक्रेट सुपरस्टार फॉर मी. Whatever I've learned today, whatever I've been able to do has been because of what I've learned from Aamir sir and Kiran ma'am, and I'm really lucky that I had these two people in my life and I continue to do so. And we are lucky to have him in our life. बहुत बहुत मायने रखती है क्योंकि ये एक फिल्म है जो हमने अपने दिल से बनाई थी और जब लोग इस फिल्म को देखते हैं और इतना पसंद करते हैं और हर तरफ से चाहे वो क्रिटिक्स हों चाहे वो ऑडियंस हो चाहे हमारे बिरादरी के लोग हों सभी को इतनी पसंद आई है तो बेहद खुशी होती है हमें. और जो हमने काम किया है सभी ने जो काम किया है लोगों को इतना पसंद आ रहा है और जिस चीज़ के लिए एज क्रिएटिव पीपल जिस चीज़ के लिए हम काम करते हैं वो यही चीज़ है और बहुत खुशी हो रही है. सायरा आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बोल चुकी हूँ. ऑल आई कैन से इज़ थैंक यू नॉट जस्ट टू देम बट टू ऑल द पीपल जिन्होंने फिल्म को इतना प्यार दिया है. नेक्स्ट स्टेप सोचते हैं अभी. Thank you, guys. Thank you. Sir, 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 s